हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसे सुपर किचन। आज हम आपको पालक की पूड़ियाँ बनाना बताएंगे। पालक की पूड़ियाँ बहुत ही डिलीशियस होती हैं। आप इसे चाय के साथ इंजॉय करें, चाहे शाम के नाश्ते में या सुबह के ब्रेकफास्ट में। ये विंटर स्पेशल पूड़ियाँ हैं। आपको विंटर्स में पालक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इस समय पूड़ियाँ बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। अब हम इसे बनाने चलते हैं। यहाँ पालक लेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारी थोड़ी डिफरेंट वैरायटी की पालक है। दो तरह की पालक आती है, एक इस तरह की लीव्स होती है पालक में, इस तरह इसको कटी पत्ती पालक भी कहते हैं, और एक चिकनी पत्ती पालक भी आती है। आपको बाज़ार में दोनों ही अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट में ये वाली पालक ज़्यादा अच्छी होती है। और इस तरीके से हम सबसे पहले पालक को साफ़ कर लेंगे और पालक को उसकी स्टेम्स हटा करके इस तरीके से पालक की लीव्स को तैयार करके अलग रख लेंगे। अब इसके बाद हम दो पतीले लेंगे। दो अब हमने सारी लीव्स को इस तरह से स्टेम हटा के तैयार कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक तरफ बॉइल्ड वाटर लेंगे एक पतीले में, और दूसरे में हम ठंडा चिल्ड वाटर फ्रेश का लेंगे। मैंने पानी ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा पानी बॉयल होगा, हम ये लीव्स को उसमें डालेंगे और 2 से 3 मिनट बाद जब वो पक जाएगी तो हम इसको चिल्ड वाटर में डालेंगे। अब देख सकते हैं पानी हमारा बॉईल हो गया। अब हम इस तरह से लीव्स को इसमें डालेंगे। अब देख सकते हैं सारा पालक इसमें आ गया है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसको डालें और आपका सारा पालक इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाएंगे पानी में। हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप ये काम कुकर में भी सीटी लगा के कर सकते हैं, लेकिन आपका कलर जो ये इतना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, आपका लीव्स ये सब डिसकलर हो जाएगा। और अब हमने यहाँ ठंडा पानी को बगल में रखा हुआ है। अब हम इसको इस तरह से इसमें से निकाल के और ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से। और अब ये कलर बिल्कुल येलो नहीं होगा। आप हमेशा खुले में ही पकाएं पालक को या कोई भी ग्रीन लीव्स को। और ये हमारा डन। और जब ये ठंडा हो जाएगा कंप्लीटली कूल डाउन, तो हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। हमने इसे 1 से 2 पानी निकाल लिया है और ये कंप्लीटली ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे इस तरीके से। हमारी प्यूरी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इसे 4 से 5 दिन तक के लिए इस तरह से रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, आपको पूरी बनानी हो, पराठे बनाने हो, आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर जैसे आपको लगे कि ये थोड़ा गर्म है या फिर इसका कलर थोड़ा डिसकलर हो रहा है, तो आप इसको जो है इसमें 2-4 बर्फ की क्यूब्स डाल लें और तब इसे चलाएं।
तो आपका ये कलर बिल्कुल भी डिसकलर नहीं होगा। मैंने पूरी के लिए यहाँ 3 कप आटा लिया हुआ है और 3/4 कप प्यूरी ली हुई है। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे आटे में। अब हम यहाँ पे इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, अगर आपको नमक हल्का चाहिए, हमने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम इसी के साथ इसे गूंथेंगे प्यूरी के साथ। अब हम इसमें जो है 3 से 4 बड़े चम्मच गरम तेल डालेंगे ताकि हमारी पूड़ियाँ क्रिस्प और करारी हों। हम इसमें जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमने पालक का ही पानी लिया हुआ है यहाँ पे, जो ग्राइंडिंग जार में हमारे थोड़ा प्यूरी रह गई थी उसको हमने पानी डाल के इसको रख लिया था। और अब हम इसे पूरी का सख्त आटा लगाएंगे। अब देख सकते हैं हमने कितना सख्त आटा लगा के तैयार किया हुआ है, क्योंकि जो है पूड़ी का अगर आप सख्त आटा लगाएंगे तो पूड़ी एक तो ऑयल नहीं लेगी और पूड़ी आपकी क्रिस्प और करारी बनेगी। हमने यहाँ पे 3 कप आटे में 1 कप प्यूरी लिया हुआ है। आप देख सकते हैं पूड़ी का आटा लग के तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने रख देंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। हमने इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसे एक बार नीट कर लेंगे। अब हम पूड़ी बनाने के लिए इसे पेड़ा काटेंगे इस तरीके से। इस तरह से इसे गोल कर लेंगे और एक चाकू की सहायता से या कटर से आप इसे इस तरह से कट कर लें छोटे पेड़े। इस तरह से गोल पेड़े तैयार करके आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं सेलोफिन से रैप करके या किसी भी जिप लॉक पाउच में, और जब भी आपके यहाँ गेस्ट आए आप इसे ये आटा लगा के तैयार करके पेड़े बना के रख सकते हैं। और ये अप्रॉक्स आपका 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये खराब नहीं होगा। आप इसे रेफ्रिजरेट कर दें। और हमने इसे तेल की सहायता से पीला, ये इतनी कड़ी है कड़ा है आटा कि आपको इसमें जो है सूखे आटे को डस्ट करने या रोल करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऑयल इस तरह से ले लीजिए चकले पे और इस तरह से पूड़ियाँ तैयार कर लीजिए। ये देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है। ये देखिए अब हम इसे फ्राइंग की तरफ चलते हैं। हम अब फ्राइंग के लिए चलते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल गरम है। अब हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे और इसे निकाल देंगे क्योंकि ये कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं बूम। अब हम पूड़ियों को तलेंगे, देखिए
इसी तरीके से हम बाकी पूरे को भी करके तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से दो पूड़ियाँ एक साथ कर सकते हैं, इसे इस तरीके से आप और को क्लैश करते हो। नाउ वी आर रेडी। ये हमारी पूड़ियाँ, हम इसे दही के साथ, चटनी के साथ या फिर आप अचार के साथ खा सकते हैं, और हम इसे दही और चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आप हमेशा पूड़ियों का आटा खूब करारा या कड़ा बनाएं डो। देखिए आपकी कितनी क्रिस्प पूड़ियाँ बनी हैं इस तरीके से, और ये कितनी फ्लफ़ी हैं पूड़ियाँ। और आप इसे खाइए विंटर्स में और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।